हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गुरुकुल। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम का दिसंबर 2018 का पेपर नंबर 2 एंड स्पेसिफिकली पेपर नंबर 2 ऑफ लॉ। इसके हम सभी क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे अलोंग विद आंसर्स। वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस विद आंसर्स। जिससे पहले कि हम पेपर के ऊपर जाएं, क्वेश्चंस के ऊपर जाएं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है बता देना चाहूंगा कि दिस एग्जाम वॉज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम वॉज हेल्ड एंड द पेपर नंबर 2 वॉज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स एंड इट कंटेन्ड 100 क्वेश्चन। सो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन वन बाय वन। ऑल द क्वेश्चन आर इन द फॉर्म ऑफ MCQ। सभी क्वेश्चन जो है MCQ की फॉर्म में है। तो क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। देखिए, इससे पहले जो है मैं जो हूँ क्वेश्चन पेपर नंबर 1 जो कि कॉमन होता है उसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। उसमें भी सभी क्वेश्चन विद आंसर हैं। ये जो है पर्टिकुलरली पेपर नंबर 2 लॉ पेपर के लिए है। ये इसमें आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं वो 51 से शुरू होते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 1 to 50 जो हैं वो कॉमन पेपर के थे, पेपर नंबर 1 के थे, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक हैं। इसमें आपको एक चीज और भी देखने को मिलेगी, जो कोड्स हैं इसके ऑप्शंस हैं उसमें बहुत ही लंबे नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये ऑफिशियल यूज के लिए है। इसके साइड में ही जो है मैंने ABCD जो है ऑप्शंस दे दी हैं, ताकि हम जब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन तो हम ABCD के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट, द प्रीएम्बल एम्बॉडीज द इंटेंशन ऑफ द फाउंडिंग फादर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल एम्स टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैटर्स। थर्ड, The Solomon Resolution in the preamble of the Constitution of India is made in the name of the people of India. Fourth, the preamble of the Constitution of India is solemnly resolved to secure to its people fundamental rights, fundamental duties and directive principles. Options दी हुई हैं। A option only 1 and 2 are correct. B only 1, 2 and 3 are correct. C only 1 and 3 are correct. D only 3 and 4 are correct. And the correct answer is C, only 1 and 3 are correct. Question number 52, यानी कि question number 2, which of the following statement is are correct? First, when the court declares certain provisions of the act as invalid and affects the validity of that act, this principle is known as doctrine of severability. Second, it is prospective character of article 13(1) which gives rise to the doctrine of eclipse. Third, the American doctrine of waiver of fundamental rights is part of the Indian Constitution. Fourth, the doctrine of prospective overruling was not applied in IC Golaknath versus State of Punjab. Options are A, only 1, 2 and 3 are correct. B, only 2, 3 and 4 are correct. C, only 2 is correct. D, only 4 is correct. And the correct answer is C, only 2 is correct. Next question pe chalte hain, question number 53. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए, इस क्वेश्चन में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 के नीचे ABCD जो है केसेस के नाम दिए हैं, और लिस्ट 2 में जो है उन्हीं के प्रोस्पेक्टिव जो है उसी के मैचिंग जो है हमने करनी है कि कौन से केस में क्या हेल्ड किया गया था। तो ये जो है आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 था। क्वेश्चन नंबर 54, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अकॉर्डेड प्राइमेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 25th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज सी 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस The Supreme Court held that any member of parliament, member of legislative assembly or member of legislative council who is convicted of a crime and given a minimum of 2 years imprisonment loses membership of house with immediate effect. Option A, MSM Sharma versus Shri Krishna Sinha. B, Ramakrishna Hegde versus State of Karnataka. C,
हरद्वारी लाल वर्सेज चौधरी भजनलाल, डी लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज डी लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 56। ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी ए हाई कोर्ट, सी द सुप्रीम कोर्ट, डी द इंटरनेशनल कोर्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज सी द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 57। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्लेसिंग ऑर्डिनेंस बिफोर लेजिस्लेचर इज मैंडेटरी, रीप्रमोगुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, बी आर के गर्ग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सी मारूराम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, डी के एम नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। एंड द करेक्ट आंसर इज ए कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज यूनियन स्टेट ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट, इन हरविंदर कौर वर्सेज हरविंदर सिंह चौधरी द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली दैट पर्सनल लॉ वॉज डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन टू पर्सनल लॉ वॉज अप्रोप्रिएट। सेकेंड, सेल्बी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका डील्स विद राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर। थर्ड, श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया डील्स विद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फोर्थ, सरला मुदगल एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया डील विद द राइट्स टू कन्वर्टेड क्रिश्चियन वुमेन। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, बी ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट, सी ओनली 2 एंड 4 आर करेक्ट, डी ओनली 3 एंड 4 आर करेक्ट। करेक्ट आंसर इज डी ओनली 3 एंड 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। असर्शन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रीजन, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसमिस द मिनिस्टर्स एट हिज डिस्क्रिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 60। Mention the correct chronological sequence of the following advisory opinion given by the Supreme Court of India under Article 143 of the Constitution of India. First, in re Keshwa Singh case. Second, in re Berubari case. Third, in re Delhi Law Act case. Fourth, in re C Customs Act. And the correct answer is option number C, 3, 2, 4, 1. Question number 61. Match the items of list 1 with the items of list 2 and choose the correct answer from the code given below. देखिए इसमें भी जो है list 1 and list 2 दी हुई है. List 1 contains the cases name and उसके corresponding जो list 2 है उसमें उसको match करना है कि कौन से केस में क्या held किया गया था. And इसका जो है correct answer है option number B, A का 2, B का 4, C का 1 and D का 3rd. Question number 62. Given below are two statements, one is labeled as assertion and other labeled as reason. Read the statement and choose the correct answer using the code given below. Assertion, proclamation of an emergency can be issued by a president of India if there is an imminent danger of war or external aggression or internal disturbance and armed rebellion. Reason, the president of India can suspend the enforcement of some fundamental rights during the period of emergency. And its correct answer is D. A is false but R is true. Question number 63. Which one of the following jurists used the two expression formal and material in defining the term jurisprudence? A. Hans Kelsen, B. T. E. Holland, C. Jeremy Bentham, D. Dennis Lloyd. And the correct answer is B. T. E. Holland. Question number 64. Consider the following statements and give the correct answer by using the code given below. First, positive law is made by sovereign and positive morality not by it. Second, positive law is made by sovereign and positive morality by God. Third, positive law is made by sovereign and positive morality by the consent of people. And the correct answer is option B. Only 1 and 3 are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 65. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट स्टोरी. ऑप्शन ए लॉ इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रूल्स विच एक्वायर द करेक्टर ऑफ लीगल रूल्स. बी द यूनियन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ ए लीगल सिस्टम. सी ए लीगल रूल कैन बी डिफाइंड एज वन विच प्रिस्क्राइब्स कोड ऑफ कंडक्ट विच इज डन विद द फीलिंग दैट सच कंडक्ट इज ऑब्लिगेटरी. डी द लॉ इज नॉर्मेटिव एंड नॉट ए नेचुरल साइंस. And the correct answer is the law is a normative and not a natural science.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट वन विद आइटम्स ऑफ लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर। लिस्ट वन दी हुई है बुक्स के नेम है एंड लिस्ट टू है ऑथर्स के नेम, ABCD है, 1 and 2, 1, 2, 3, 4 है, तो आपको मैच करनी है ये। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, अगेन लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दिए हुए हैं। लिस्ट वन इज कंटेनिंग थ्योरीज एंड लिस्ट टू है जुरिस्ट के नाम है, तो आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। यू कैन रीड द क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल दैट इवन इफ एन ऑफेंडर कमिट्स ए क्राइम ही डज नॉट सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन ए प्रिवेंटिव थ्योरी, ऑप्शन बी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, ऑप्शन सी रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ऑप्शन डी डिटरेंट थ्योरी, एंड द करेक्ट आंसर इज सी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 69, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन वॉज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन ए केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, बी इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण, सी माधवराव सिंधिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, डी बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, एंड द करेक्ट आंसर इज डी बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ओनली ह्यूमन बींग्स कैन हैव इंटरेस्ट एंड राइट्स एंड दैट ए कॉपरेशन इज ओनली अ लीगल डिवाइस और फॉर्मूला विच विल इनेबल एवरी कॉम्प्लेक्स ड्यूरल रिलेशन टू बी अंडरस्टूड मोर इजिली। ऑप्शन ए फिक्शन थ्योरी, बी रियलिस्ट थ्योरी, सी पर्पस थ्योरी, डी ब्रैकेट थ्योरी, एंड द करेक्ट आंसर इज डी ब्रैकेट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 71, अगेन वी हैव टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, सो यू कैन रीड द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, अदर लेबल्ड एज रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। असर्शन, ऑस्ट्रेलियन थ्योरी ऑफ लॉ डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कस्टमरी लॉ एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। रीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कस्टमरी लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स डू नॉट शेयर द सेम पेडिग्री एज स्टेट्यूटरी लॉ, एंड द करेक्ट आंसर इज ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 73, अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ असर्शन एंड रीजन। असर्शन, कस्टम टू हैव फोर्स ऑफ लॉ मस्ट बी इमेमोरियल। रीजन, कस्टम रिप्रेजेंट्स कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ कंसेंट रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ए जेलनिक फेनविक, बी जे एल ब्रैडले कैल्सन, सी एंजलियोटी ट्रिपल ओपेहम, डी ग्रोटियस वेटे पुफेंडोफ, एंड द करेक्ट आंसर इज सी एंजलियोटी ट्रिपल ओपेहम। क्वेश्चन नंबर 75, अगेन क्वेश्चन इज ऑफ असर्शन एंड रीजन। असर्शन, इन द असाइलम केस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑब्जर्व्ड दैट द रूल इवोक्ड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म यूजेज प्रैक्टिस by the states in question and that this usage is the expression of a right appertaining to the state granting asylum and a duty incumbent on the territorial state. Reason, this follows from article 38 of the statute of the court which refers to international custom as evidence of a general practice accepted as law, and the correct answer is A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 76, अगेन वी हैव द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। वी हैव टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। द लिस्ट वन कंटेन्स रिकॉग्निशन गिवन एंड लिस्ट टू कंटेन्स डेट्स ऑफ रिकॉग्निशन, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। फर्स्ट, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्सट्रेडिशन वॉज अडॉप्टेड एट पेरिस ऑन 13 December 1964। The practice of non-extradition for political crime began with the French Revolution of 1789. Third, on 16 June 1987, the foreign secretaries of South Asia regional countries entered into agreement on extradition. Fourth, Factor versus Lubenheimer is a leading case on the non-extradition of political crimes. And the correct answer is B, second and third. Next question pe chalte hain, question number 78.
इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द यूनियन चार्टर द अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग द परमानेंट मेंबर्स इज नेसेसरी फॉर ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स. ऑप्शन ए आर्टिकल 25, बी आर्टिकल 43, सी आर्टिकल 51, डी आर्टिकल 27. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 27. क्वेश्चन नंबर 79. वी हैव लिस्ट 1, लिस्ट 2. We have to match the list 1 with list 2. List 1 contains the provisions and list 2 contains the articles. So, the correct answer for this question is option number A. Question number 80. Consider the following statement. Under Article 36, subsection 2 of the Statute of International Court, the state party to the statute may confer compulsory jurisdiction upon the International Court of Justice in respect of the following matters. First, interpretation of treaty. Second, any question of national law. Third, existence of any fact which, if established, would constitute a breach of international obligation. Fourth, the nature and the extent of separation to be made for the breach of domestic obligation. Choose the correct answer from the quote given below. Option A, only one. Option B, 1 and 3. C, 1, 2 and 4. D, 1, 2, 3 and 4. And the correct answer is B, 1 and 3. Question number 81. Again, assertion and reason. Assertion is, the doctrine of forum prorogatum states the court will have the jurisdiction in the matter in which it does not otherwise have jurisdiction, where a respondent consent to the jurisdiction subsequent to the commencement of proceeding against it. Reason, the operation of the doctrine of forum prorogatum has been envisaged under the Charter of the UN and also the Statute of International Court of Justice. And the correct answer is A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Question number 82. Under which of the following article of the United Nations, the General Assembly may establish such subsidiary organ as it deem necessary for the performance of its functions? Option A, Article 21, B, Article 20, C, Article 23, D, Article 22. And the correct answer is D, Article 22. Question number 83. Who amongst the following group of jurists are the chief exponent of the declaratory theory of recognition? Option A, Hall, Bradley, Fisher and Pitt Corbett. B, Hegel, Angelotti and Oppenheim. C, Hart, Austin, Bentham. D, Fenwick, Kelsen, Fuller, Schwarzenberger. And the correct answer is option number A. Question number 84. Under Hindu Marriage Act 1955, spinda relation with reference to any person extends as far as option A, the third generation exclusive in the line of ascent through the mother, and the fifth exclusive in the line of ascent through the father. B, the third generation inclusive in the line of ascent through the mother, and fifth inclusive in the line of ascent through father. C, the fifth generation inclusive in the line of ascent through the mother, and third inclusive in the line of ascent through father. D, the fifth generation exclusive in the line of ascent through mother and exclusive in the line of ascent through father. The correct answer is B. Question number 85. Islamic law in India provides for A, monogamy, B, unlimited polygamy, C, controlled polyandry, D, controlled polygamy. And the correct answer is controlled polygamy. Question number 86. Again, we have list 1 and list 2, and we have to match the list 1 with list 2. And the correct answer for this question is option number A. Question number 87. Again, we have list 1, list 2. List 1 is the sections and list 2 provisions. We have to match section with the provisions. And the correct answer for this question is option B. Next question, question number 88. Again, we have two statements, assertion and reason. We have to read the statement and choose the correct answer. Assertion, a child adopted under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 shall be deemed to be the child of his or her father or mother for all purpose with effect from date of adoption. Reason, a validly adopted child may renounce his or her status as such after attaining age of 21 years and return to his or her family of birth. And the correct answer for this is C. A is correct, but R is false. Question number 89. Marriage during iddat under Sunni law is option A, valid, B, void, C, voidable,
डी इररेगुलर एंड द करेक्ट आंसर इज डी इररेगुलर। क्वेश्चन नंबर 90, एन एग्रीमेंट बाय मिस्टेक इज ऑप्शन ए वॉइडेबल, बी वॉइड, सी इलीगल, डी इमोरल एंड द करेक्ट आंसर इज बी वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द हस्बैंड कैन क्लेम मेंटेनेंस, बी अनचेस्ट वाइफ कैन लिव सेपरेट एंड क्लेम मेंटेनेंस अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सी अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 फादर इन लॉ इज पर्सनली लायबल टू पे मेंटेनेंस टू द विडो डॉटर इन लॉ, डी द टर्म मेंटेनेंस अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डज नॉट इंक्लूड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अनमैरिड डॉटर्स। करेक्ट आंसर इज ए अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हस्बैंड कैन क्लेम मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 92, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट शुड इनैक्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए चेतन दास वर्सेज कमला देवी, बी सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन कुमार, सी अशोक कोर्रा वर्सेज रूपा, डी जॉन वोलमेटन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड द करेक्ट आंसर इज डी जॉन वोलमेटन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 93, वी हैव असर्शन एंड रीजन। असर्शन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हूम इट इज मेड। रीजन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील विद द इशू ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, वी हैव लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 कंटेन्स सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड लिस्ट 2 कंटेन्स द डेफिनेशंस। वी हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट, ए माइनर फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज इज नॉट स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। Second, a minor fraudulently representing his age is stopped from denying the truth of his statement. Third, estoppel does not operate to render a statute ineffective and so minor's agreement is always void. And the correct answer to this question is option B, first and third. Question number 96, a master asks his servant to sell his cycle to him at a less than the market price. This contract can be avoided by the servant on the ground of ऑप्शन ए क्वेश्चन, बी फ्रॉड, सी अनड्यू इन्फ्लुएंस, डी मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द करेक्ट आंसर इज सी अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, नॉन एस्ट फैक्टम मींस ए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड। ऑप्शन ए अंडर क्वेश्चन, बी इन इग्नोरेंस, सी आउटसाइड इंडिया, डी अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड द करेक्ट आंसर इज बी इन इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 98, Headley versus Baxendale is a leading case on option A minors agreement, B anticipatory breach, C breach of implied term, D remoteness of damages and the correct answer is D remoteness of damages. Question number 99, which of the following is are exceptions to the rule of strict liability recognized by Rillane versus Fletcher? First, defendant's fault, second, act of God, third, consent of third party, fourth, statutory authority. And the correct answer to this question is option D, second and fourth are correct. Question number 100, match the items of list 1 and list 2. We have again list 1 and list 2. We have to match the list 1 with list 2. And the correct answer to this question is option number B. So friends, we have reached to the 50th question. So we are the half mark away. And now we will move on to the next 50 questions. Question number 101, who is the propounder of pigeonhole theory? Option A, Winfield, B, Salmon, C, Pollock, D, Fraser and the correct answer is B, Salmon. Question number 102, again we have list 1 and list 2, we have to match list 1 with list 2. List 1 is name of the cases and list 2 is related topic to it. So the correct answer to this question is option number C. Question number 103, we have assertion and reason. Assertion is act of God is a kind of evitable accident with the difference that it arises out of the working of human forces. Reason, the occurrence need not be unique nor need it be one that happens for the first time. It is enough that it is extraordinary and such as could not reasonably be anticipated. And the correct option is D. A is false but R is true.
क्वेश्चन नंबर 104 अगेन असर्शन एंड रीजन. असर्शन इज इन द मैटर ऑफ एब्सोल्यूट प्रिविलेज नो एक्शन लाइज फॉर द डिफेमेटरी स्टेटमेंट इवन दो द स्टेटमेंट इज फॉल्स और हैज बीन मेड मैलिशियसली. रीजन वेदर द स्टेटमेंट इज डिफेमेटरी और नॉट डिपेंड्स अपॉन हाउ द राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर लाइकली टू टेक इट. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 105. अरेंज द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ टॉर्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाई यूजिंग द कोर्ट्स गिवन बिलो. फर्स्ट विनोद कुमार शांतिलाल गोसालिया वर्सेज गंगा गनागाधर नरसिंह दास. सेकेंड सोदन सिंह वर्सेज न्यू डेली म्यूनिसिपल कमेटी. थर्ड अनवर हुसैन वर्सेज अजॉय कुमार. फोर्थ निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्सेज प्रसंत एस धनाका. तो वी हैव टू क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर द केसेस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 106. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फोरम्स एंड कमीशन अंडर सेक्शन 24B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. फर्स्ट नेशनल कमीशन शैल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल स्टेट कमीशन. सेकेंड नेशनल कमीशन शैल कॉल फॉर द पीरियोडिकल रिटर्न ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेज बिफोर द स्टेट कमीशन. स्टेट कमीशन शैल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल डिस्ट्रिक्ट फोरम्स. स्टेट कमीशन कैन इशू इंस्ट्रक्शन टू डिस्ट्रिक्ट फोरम टू फर्निश इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट रिटर्न इन एनी लैंग्वेज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट ऑल आर करेक्ट. क्वेश्चन 107. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड इन रिलेशन टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल ए कंप्लेंट और एन अपील बिफोर द कंज्यूमर फोरम पब्लिक कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ऑप्शन ए कंप्लेंट 1 ईयर. बी अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फोरम टू स्टेट कमीशन 30 डेज. सी अपील फ्रॉम स्टेट कमीशन टू नेशनल कमीशन 60 डेज. डी अपील फ्रॉम नेशनल कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट 90 डेज. एंड द करेक्ट आंसर इज बी अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फोरम टू स्टेट कमीशन इज 30 डेज. क्वेश्चन नंबर 108. हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड क्राइम एज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायोलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ इधर फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट. ऑप्शन ए रसल. बी कैनी. सी ब्लैकस्टोन. डी जे एफ स्टीफन. एंड द करेक्ट आंसर इज सी ब्लैकस्टोन. क्वेश्चन नंबर 109. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड इंडियन कोर्ट्स हैव ज्यूरिडिक्शन. फर्स्ट क्राइम कमिटेड बाय इंडियन इन ए फॉरेन कंट्री. क्राइम कमिटेड बाय फॉरनर इन इंडिया. Crime committed by person on Indian ship. And the correct answer is option number D, all 1, 2 and 3. Question number 110. A woman knowing that his husband B has recently committed dacoity harbors him with the intention of screening him from punishment. In this case A is option A guilty for harboring only, B guilty for screening only, C guilty for harboring as well as screening. D not guilty. And the correct answer is D not guilty. Question number 111. A enters into house of B with intention to commit theft. B along with other members of his family surround and attack A with wooden sticks. A finding his life in danger fires with pistol causing death to B. Here A has committed option A no offense as he acted in self defense, B theft, C culpable homicide not amounting to murder, and D murder. And the correct answer is D murder. Next question, question 112. A police officer tortures B to induce him to point out where certain stolen property is deposited. Here A is guilty of offense under option A section 330 IPC, B section 331 IPC, C section 332 IPC, D section 333 IPC. And the correct answer is option A section 330 IPC. Question number 113. The right of private defense of body commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises and continue as long as such apprehension continues. This observation was made by Supreme Court in A. Dev Narayan versus State of UP, B. Ram Swarup versus State of UP, C. Ranga Billa versus Union of India, D. State of Punjab versus Nanak Chand. And the correct answer is option A, Dev Narayan versus State of UP. Next question, question 114. Again, we have list 1 and list 2. We have to match list 1 with list 2. List 1 contains the provisions and list 2 the sections of IPC. And the correct answer for this question is option number C. Question number 115.
ए पब्लिक ऑफिसर इज ऑथराइज्ड बाय ए वारंट फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू अप्रीहेंड जेड, बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड, विलफुली रिप्रेजेंट्स टू ए दैट सी इज जेड एंड देयर बाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू अप्रीहेंड सी. इन दिस केस बी अबेट्स द अप्रीहेंशन ऑफ सी बाय ऑप्शन ए हेडिंग ओनली, ऑप्शन बी इंस्टिगेशन ओनली, ऑप्शन सी कॉन्स्पिरेसी ओनली, डी एडिंग एंड इंस्टिगेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंस्टिगेशन ओनली. क्वेश्चन नंबर 116, अगेन वी हैव लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, वी हैव टू मैच बोथ दीज लिस्ट वन लिस्ट टू. लिस्ट वन कंटेन्स द नेम ऑफ द केसेस एंड लिस्ट टू कंटेन्स द ऑफेंस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 117, असर्शन, ए पर्सन इम्पोर्ट्स into India from a foreign country or from the state of Jammu and Kashmir a girl with intention to forcing her to illicit intercourse with another person shall be punished with 10 years imprisonment. Reason, it is so provided under section 366B of Indian Penal Code. The correct answer for this question is option A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Question number 118, assertion, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the exact nature of the act. Reason, mistake of fact is a good defense and mistake of law is no defense. Correct answer is option B. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. Question 119, assertion, the employer need not commit a series of unfair transactions before he could be held guilty of unfair labor practices. Reason, the purpose of Industrial Dispute Act is to prevent industrial strife. In other words, to prevent anything from happening which could lead to industrial dispute and not merely to punish it after it has practiced. The correct answer for this question is option A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Question number 120. The application of Industrial Dispute Act is to organizations which were quite possibly not intended to be so covered might have done more damage than good, not merely to organization but also to employees. Thus, the decision in Bangalore water supply case requires to be re-examined. In which of the following cases the above has been observed? Option A, MP Electricity Board versus Jagdish Chandra Sharma. B, Hampi Gowda Educational Trust versus State of Karnataka. C, Choir Board Ernakulam Cochin versus Indira Devi PS and others. D, State of Haryana versus Pyara Singh. And the correct answer is C, Choir Board Ernakulam Cochin versus Indira Devi PS and others. Question number 121, we have list 1 and list 2, we have to match the list 1 and list 2. Please read the question. The correct answer to this question is option A. Question number 122, which of the following is wrong? Option A, an employer must have committed a series of unfair transactions before he could be held guilty of unfair labor practices. B, a settlement outside the conciliation proceeding would bind the parties to the agreement and a settlement under section 18(3) of the Industrial Dispute Act as a result of conciliation would bind all the workers. C, the union which represents the largest number of workmen working in the undertaking must acquire the status. D, the employer has to give an opportunity and preference to retrenched workmen for re-employment. And the correct answer is A. An employer must have committed a series of unfair transactions before he could be held guilty of unfair labor practices. Question number 123. The strike or lockout shall not be deemed to be illegal. Option A, if the strike or lockout has commenced after the reference of dispute to the authorities under the Act. B, if the strike or lockout has commenced before and continued even after the prohibition under section 10(3) of the Act. C, if the continuation of strike or lockout has been prohibited by the order made under section 10(a)(4)(a) of the Act. D, if the strike or lockout was in contravention of this Act only at its commencement. And the correct answer is C, if the continuance of strike or lockout has not been prohibited by order made under section 10(a)(4)(a) of the Act. Question number 124. An application to the tribunal by an employer seeking permission to discharge or dismiss a workman during pendency of the proceeding in respect of the industrial dispute. Option A, is not maintainable in all cases.
बी इज मेंटेनेबल इवन इफ बोनाफाइड कंक्लूजन हैज नॉट बीन रीच इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन वर्कमैन सी इज मेंटेनेबल इफ फाउंड दैट ऑल द प्रॉपर स्टेप्स हैव बीन टेकन एंड बोनाफाइड कंक्लूजन हैज बीन रीच्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ द वर्कमैन डी इज मेंटेनेबल इवन इफ प्रिमा फेसी केस इज नॉट मेड आउट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. फर्स्ट, एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन अराइज व्हेन अ डिमांड इज मेड बाय द वर्कमैन एंड डिनाइड बाय द एम्प्लॉयर. सेकंड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन. थर्ड, एम्प्लॉयर्स फेलियर टू फुलफिल हिज वर्बल एश्योरेंसेस इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. फोर्थ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विल सबसिस्ट इन स्पाइट ऑफ क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री. Choose the correct answer and the correct option is D. First, second and fourth are correct. Question number 126. Which of the following statements are correct in relation to the growth of administrative law in India? First, in the pre-constitutional period, a system of administrative legislation and adjudication existed. Second, philosophy of welfare state was made the creed of the Indian constitution. Third, in the new economic order, state is withdrawing from business yet its functioning as facilitator and regulator are increasing. It will increase the significance of administrative law. Fourth, all the administrative matters are dealt by the administrative court and their decisions are final and not subject to judicial review by the Supreme Court or High Court. And the correct answer is C. First, second and third are correct. Question number 127. Which of the following statements are correct in relation to principle of natural justice? First, principle of natural justice have enriched law and constitutions the world over. Second, uniform cut and dried formula can be laid down to determine real likelihood of bias. Each case can be determined on basis of its fact. Third, reasons for the decisions by any authority substitute subjectivity with objectivity. Fourth, if in a given case only prior hearing would achieve the objective of the exercise of power, it must dispense with the subsequently post-decisional hearing can be provided as substitute. And the correct answer is C. First and third are correct. Question number 28. Again, we have list 1 and list 2. We have to match the list 1 and list 2. List 1 contains the name of the case and list 2 the grounds of judicial review. And the correct answer for this question is option number D. Question number 129. Assertion. Judicial review of administrative action under Article 32 and 226 is a part of basic structure of Indian Constitution. Reason. It was held by Supreme Court in L. Chandra Kumar versus Union of India. And the correct answer is A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Question number 130. Who among the following are within the jurisdiction in respect of inquiry under Section 14 of the Lokpal and Lokayukta Act 2013? First, any Group A or Group B officers. Second, any Group C or Group D officials. Third, any Group E or Group F of employees. Fourth, any Group G or Group H workers. And the correct answer is option number B. First and second are correct. Question number 131. Which of the following power is not vested with Lokpal under Chapter 7 of the Act 2013? Option A. Power of search and seizure. B. Power of criminal court in certain cases. C. Power of attachment of asset. D. Power to utilize services of officers of central and state government. And the correct answer is B. Powers of criminal court in certain cases. Question number 132. Which one of the following is not the function of the Central Pollution Control Board under the Water Act 1974? A. To advise the central government on any matter concerned the prevention and control of water pollution. B. To coordinate the activities of state board and resolve dispute among them. C. To advise state government on any matter concerning the prevention, control and abatement of water pollution. D. To provide technical assistance and guidance to the state board carry out and sponsor investigation and research relating to problem of water pollution and prevention, control or abatement of water pollution. And the correct answer is C. To advise the state government on any matter concerning prevention, control or abatement of water pollution. Question number 133. Assertion. The government could not control pollution in spite of continuous environmental monitoring system CEMS introduced in 2014. Reason, environment related data especially on the performance of polluters has always been both limited in scope and invisible to the public. And the correct answer is A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Question number 134. The Code of Criminal Procedure, which contains some general provision to cover ordinary situation, came to be regarded as an instrument to combat pollution in 1980s and was utilized in one of the following cases.
ऑप्शन ए सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, बी चरण लाल साहू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सी एपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेज प्रोफेसर एमवी नायडू, डी म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेज वर्दी चंद। द करेक्ट आंसर इज डी म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेज वर्दी चंद। क्वेश्चन 135 बॉन कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, बी इंटरनेशनल व्हेलिंग कन्वेंशन, सी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, डी कन्वेंशन ऑन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 136 वी हैव लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, वी हैव टू मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 137 टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल थ्रू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वर मेड इन 1992, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट इज नॉट फाउंडेड इन द 12th शेड्यूल। ऑप्शन ए अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, बी रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, सी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड पोल्ट्री, डी पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड पोल्ट्री। क्वेश्चन नंबर 138 अगेन वी हैव लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, लिस्ट वन कंटेन्स ईयर ऑफ अडॉप्शन एंड लिस्ट टू यूएन डिक्लेरेशंस, वी हैव टू मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139 अगेन वी हैव लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, लिस्ट वन कंटेन्स आर्टिकल इन UDHR एंड द लिस्ट टू कंटेन्स कंटेंट इन UDHR, वी हैव टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील, सेकंड द चेयरपर्सन और ए मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मे बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू गवर्नर रिजाइन हिज ऑफिस, थर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम ऑफिस द चेयरपर्सन और एनी मेंबर एज द केस मे बी इफ एडिस्ट बी एन इंस्टॉलमेंट, Fourth, on ceasing to hold office, a chairperson shall be eligible for further employment under the Government of India. And the correct answer is C. Only second and third are correct. Question number 141. Again, we have list 1 and list 2. We have list 1 containing sections in the Protection of Human Rights Act 1993 and list 2 contain contents of the Protection of Human Rights Act 1993. We have to match list 1 with list 2 and the correct answer for this question is option number B. Question number 142, the National Human Rights Commission was established in India on, so there in the question paper there were 5 options given, so UGC has made a note that correct option ID is 5, this question remains cancelled and marks awarded to all candidate appeared in the test. Question number 143, which of the following statement are correct, first lawless versus Ireland was the first case decided by the European Court of Human Rights. Second, Ireland versus United Kingdom is related to Article 3 of European Convention of Human Rights, which deal with the freedom from torture and inhuman or degrading treatment. Third, the UN Commission on Human Rights was replaced by Human Rights Committee in March 2006 by the General Assembly. Fourth, the Commission on the Status of Women is a fundamental functional commission of the Economic and Social Council ECOSOC established in 1948 and the correct answer for this question is option A, only 1 and 2 are correct. Question number 144, to safeguard the interest of shareholders through class action suits an application may be made to the tribunal, which one of the following is wrong? Option A, to restrain the company for committing an act which is ultra vires the article or memorandum, B, to restrain the company for committing breach of any provision of company's memorandum and article, C, to restrain the company from taking action to any resolution passed by member, D, to restrain the company and its director from taking on a resolution obtained by misstatement to the members of the depositors. And the correct answer to this question is C, to restrain the company from taking action to any resolution passed by the members. Next question, question number 145. The doctrine of Indo-management was first laid down in the case of option A, Morris versus Canson, B, Howard versus Patent Ivory Company,
सी रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कैंड, डी रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कैंड। क्वेश्चन नंबर 146, वेयर एन इंडिविजुअल इज ए कॉमन पार्टनर इन टू फर्म्स। ऑप्शन आर ए नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय वन फर्म अगेंस्ट द अदर अपॉन एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन दैम सो लॉन्ग एज द इंडिविजुअल कंटिन्यूज टू बी ए कॉमन पार्टनर। बी एन एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय वन फर्म अगेंस्ट द अदर अपॉन एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन दैम इवन दो दैट इंडिविजुअल कंटिन्यूज टू बी ए कॉमन पार्टनर। सी एन एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय वन फर्म अगेंस्ट द अदर फर्म अपॉन एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन दैम बट द कॉमन पार्टनर शैल नॉट बी एडेड एज अ डिफेंडेंट। डी An action can be brought by one firm against other firm upon any transaction between them, but the common partner shall be excluded from participating in the proceedings. And the correct answer is A. No action can be brought by one firm against the other upon any transaction between them, so long as that individual continues to be a common partner. Question number 147. When a partnership firm is constituted for a fixed period and after the expiration of that term, the firm continues to carry on business without new agreement, then option A, the partnership stands extended till the new agreement is made. B, the partnership becomes partnership at will. C, the partnership becomes illegal. D, the partnership stand dissolved on the date of expiry of the term and no partnership can be said to be in existence. And the correct answer is B, the partnership becomes partnership at will. Question number 148, again we have list 1 and list 2. List 1 contains section and list 2 contain provisions. We have to match list 1 with list 2, and the correct answer for this question is option number A. Question number 149, Latin maxim nemo dat quod non habet means option A, an innocent occupier of good can pass a proper title. B, no man can pass a better title than he has. C, an innocent and bona fide purchaser gets a proper title as of a true owner. D, a finder of goods can pass a proper title. And the correct answer is option B, no man can pass a better title than he has. Question number 150, last question. We have assertion and reason. Assertion is A, negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. Reason, because it is said so under section 13 of the Negotiable Instrument Act 1881. And the correct answer is option A. Both A and R are correct, and R is correct explanation of A. So friends, this was the question paper 2 law of UGC NET exam held in December 2018. We discussed all the 100 questions with answers. और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि अभी लेटेस्ट जो है यूजीसी जो एग्जाम है एनटीए कंडक्ट करता है वहां पे जो है नया सिलेबस जो है सब्जेक्ट्स का वो आ गया है। उसके ऊपर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियो बनाऊं कि पुराना और नए सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्या हुआ है। तो ये जो एक अपडेट है कि लेटेस्ट जो सिलेबस है सब्जेक्ट्स का वो यूजीसी नेट एनटीए की जो साइट है उस पर आ गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर 2 तो हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियोज़ मेरे पसंद आ रहे होंगे और मेरी उम्मीद है कि जो है मैं कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट कर पा रहा हूँ, रीच आउट कर पा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।